डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है? कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक? द आंसर्स दिस क्वेश्चन, लेट अस टेक ए लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, कि भारत में इलेक्शन कैसे होते हैं। लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर 5 ईयर्स। After 5 years, the term of all the elected representative come to an end. जो after 5 years जो है जो tenures of the elected representative is going to be finished. After 5 years, जो elected representative terms ख़त्म होता है, उनका tenure ख़त्म हो जाता है। The Lok Sabha और विधानसभा जो है वो डिजॉल्व कर दी जाती है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट ऑल एट द सेम टाइम। तो इलेक्शन जो है सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अगर विधानसभा के हैं, स्टेट के हैं तो स्टेट में होते हैं, और अगर जनरल इलेक्शन हैं तो इन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन आर हेल्ड ईदर ऑन द सेम डे, या तो सेम डे होते हैं या एज पर फिक्स बाई द इलेक्शन कमिश्नर। दिस इज नोन एज द जनरल इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाई डेथ और रिकग्निशन ऑफ ए मेम्बर। कभी कभी जो है इलेक्शन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं, वो सीट जो है वैकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ एनी मेम्बर और इफ एनी मेम्बर गिव द रिजाइंस। दिस इज़ नोन एज द बाई इलेक्शंस, बाई पोल इसे भी बोल देते हैं, बाई इलेक्शन बोल देते हैं। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन के बारे में फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड की जाती है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। तो आपने ये देखा कि इन ईच स्टेट देर आर द फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिक्स MLAs। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में जो है हम एक ऐसे एरिया को एरिया पर बेस्ड होते हैं जो जहाँ पर एक सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। एक द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस। पूरे देश को जो है एक इलेक्शंस के उद्देश्य से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और इस तरह से किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशंस का कि हर क्षेत्र में, हर एरिए में नंबर ऑफ पीपल्स अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर रहें। तो दिस डिवाइडेड एरिया डन बाय द इलेक्शन कमिश्नर्स, दिस डिवाइडेड एरिया इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर हु रिसाइड इन दैट एरिया दे इलेक्ट देयर वन रिप्रेजेंटेटिव। फॉर लोकसभा इलेक्शंस देयर आर अप्रोक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट, टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट। The representative elected from each constituency is called member of parliament, or in other words you can say MP. One of the features of the democratic election that every vote should have the equal value, yani ki as you already know that the peoples have universal adult franchise. In universal adult franchise, the value of each vote is equal value. That's why our constitution requires that the constituency should have a roughly equal population living residing in. तो जो है हमारी constituency इस तरह से distribute की जाती है कि जिसमें जो number of populations है, number of peoples हैं, वो उसमें बराबर संख्या में रहें। Likewise, each state is divided into a specific number of the assembly constituencies. और इस तरह से स्टेट को जो है, स्टेट को भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
हर केस में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एमएलए कहते हैं या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में के अंदर जो है कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। और यही प्रिंसिपल जो है ये पंचायत इलेक्शन के लिए, पंचायत के लिए और म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ वहाँ के लिए भी किया जाता है। हर विलेज या टाउन्स को छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। दैट इज इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर, और हर वार्ड जो है एक मेंबर को इलेक्ट करता है विलेज में से या अर्बन लोकल बॉडीज से। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी आर काउंटेड एज सीट्स, और इनको हम सीट के तौर पर बोलते हैं कि इतनी सीट इसकी निकल गई। तो फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। वैन वी से लोकसभा लोकदल वॉन द 60 सीट इन हरियाणा, इट मीन्स 60 MLAs वर वॉन बाई द लोकदल इन हरियाणा। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल वॉन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट एंड थस लोकदल एंड हैड 60 MLAs इन द असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो ये जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। फिर उसके बाद जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इट विल बी टेल टू यू पीपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो।